सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। आज हम करने वाले कुछ इस तरह का पेपर साल्ट वाला एडिटिंग जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है इंस्टाग्राम पर। तो गाइज वीडियो को पूरा देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इस एडिटिंग पे हम जितने भी बैकग्राउंड और इमेज यूज़ करने वाले हैं सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर डाउनलोड कर लेना। तो इस वाले बैकग्राउंड को सबसे पहले पिक्सार्ट पर ओपन कर लेना है, फिर हमें जाना है ऐड फोटो पर, अपना मॉडल को हमें ऐड करना होगा। तो हम जाएंगे ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद मॉडल को अपना ले लेंगे। ये रहा अपना मॉडल। तो मॉडल का बैकग्राउंड मैंने पहले से इरेज कर रखा है, अगर आपको पता नहीं कैसे इरेज करते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना, वीडियो मैंने पहले से ही बना रखे हैं। तो इसको सिंपली ऐसे बड़ा करके सेट कर लेंगे, ऐसे नीचे से थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से सेट कर लेंगे। फिर हमें डालना है शैडो। पिक्सार्ट का नया वाला वर्सन में शैडो का ऑप्शन आता है, तो ये रहा शैडो। शैडो डाल लेंगे, फिर शैडो को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ये बहुत ही दूर भाग रहा है, इसको थोड़ा पास में ले आएंगे, तो पोजीशन एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पोजीशन पर जाएंगे तो इसको थोड़ा सा पास ले आएंगे, यहाँ पे ठीक है। फिर जाएंगे हम एडजस्ट पर। एडजस्ट पर जाने के बाद शैडो का जो ओपेसिटी है वो भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ब्लर को थोड़ा बढ़ा के ओपेसिटी थोड़ा सा कम, इतना ठीक है। अब यहाँ से कर देंगे इसको डन। तो डन करने के बाद अगर आपका मॉडल का बाल थोड़ा सा ख़राब है तो आप हेयर PNG भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक हेयर PNG ऐड कर लेते हैं। तो ऐसे इसको सिंपली बढ़ा करके हेयर पे लगा लेना है, तो ऐसे यहाँ से लगा लेंगे इसको, फिर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है, हेयर भी लग चुका है, इसको कर देंगे डन। इसके बाद हम फिर से जाएंगे ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद एक पेपर का PNG मिलेगा, ये रहा, तो इसको भी कर लेते हैं ऐड। ऐड करने के बाद इसको ऐसे सिंपली बड़ा करना होगा, बड़ा करने के बाद पूरा शर्ट के ऊपर ले आना होगा। उसके बाद हमें जाना होगा ब्लेंड पर। ब्लेंड पर जाके इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसको पूरा शर्ट पे ऐसे सेट करने के बाद ऐसे सेट कर लेंगे। फिर इसको हम जाएंगे इरेजर वाले टूल पर। इरेजर वाले टूल पर जाने के बाद इसको कर देंगे इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद सिर्फ हमें शर्ट पर ब्रश करना है, जहाँ जहाँ हमें चाहिए पेपर वाला इफेक्ट सिर्फ उसी पर ब्रश करना है। तो हम सिंपली कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक और छोटा सा काम बाकी है, हमें शैडो डालना है जहाँ जहाँ पर फोल्ड दिख रहा है, मतलब कि एक कॉलर हो गया, हाथ वाला यहाँ हो गया, तो जहाँ जहाँ पे शैडो का ज़रूरत है वहाँ पे शैडो डालेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे टूल्स पर। टूल्स पर जाने के बाद हम जाएंगे एडजस्ट पर। एडजस्ट पर जाने के बाद ब्राइटनेस को कर देंगे एकदम ज़ीरो। तो ब्राइटनेस को ज़ीरो करने के बाद हम जाएंगे इरेजर वाले टूल पर लेफ्ट साइड में, फिर हम इसको कर देंगे इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद हमें जहाँ जहाँ शैडो चाहिए वहाँ वहाँ ब्रश करना है, तो हार्डनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, साइज को थोड़ा सा कम। तो अब हमें शैडो डालना है। तो अब यहाँ से डन करके इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, ये देखने में ख़राब लग रहा है इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इतना ठीक है। तो अब यहाँ से कर देंगे डन, हो गया। तो गाइस हमारा पिक्सार्ट का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए हम जाएंगे ड्रॉ टूल पर। ड्रॉ टूल पर जाने के बाद जाएंगे थ्री डॉट पे सेव इमेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब हम चलते हैं लाइट रूम ऐप पर। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं लाइट रूम ऐप पर। अब हमें जाना है लाइट वाले टूल पर। लाइट वाले टूल पर जाने के बाद हमें कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, शैडोज को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम कर देंगे। फिर जाएंगे नेक्स्ट वाले टूल पर। नेक्स्ट वाले टूल पर जाने के बाद यहाँ से वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। फिर जाएंगे मिक्स पे। अगर आपको ऑरेंज टोन देना है तो आपको जाना होगा येलो कलर पे, फिर ह्यू को थोड़ा सा माइनस की तरफ ले जाना है, तो आ जाएगा आपका ऑरेंज टोन। तो हमारे यहाँ पे ऑरेंज टोन आ चुका है, यहाँ से इसको कर देंगे डन। फिर जाएंगे नेक्स्ट वाले टूल पर। तो यहाँ से हम थोड़ा सा भिगनेट डाल लेते हैं, थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं। फिर
नेक्स्ट टूल पर जाएंगे, यहाँ से शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो फाइनली हमारा फोटो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से हम कर लेंगे इसको सेव। तो गाइज आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चलते हैं, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।